राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। तो दिन है मंगलवार, शाम का टाइम है, हो रही है रात के खाने की तैयारी। तो आज हम बनाएंगे सब्जी में हरा साग। सारी जो तैयारी है वो करके रख ली है, बस ये थोड़ा सा कूटना रहता था। आग जला ली है और जो कढ़ाई है वो रख दी है, और अंदर का जो हमारा चूल्हा है वो फूट गया है, तो इस वजह से हमने ये जो बाहर चूल्हा है, जो ठामा चूल्हा बोलते हैं, वो रख लिया है। और आग देखो कितनी अच्छी जल रही है। सूट किसा लग गया आपने? यू मैं लेके आई थी, मैंने पसंद आ गया था, फिर इसका बदला मैं एक और पसंद आ गया वो ले आई। यो ही मैं उल्टा पुचाऊंगी, चिड़िया बन रही है, दिखा दे राजा नजदीकता है। क्रीम कलर का है भाई, देखो ये देखे नीचे भी है, यहाँ पे भी चिड़िया है और यहाँ पे भी, और चुन्नी में भी चिड़िया है, लेकिन फिर वही दिक्कत हो जाए ना। और आज हमारे सोफे पे एक चिड़िया बैठी थी, उसको हमने रोक लिया, दरवाजा बंद कर दिया, वो गेट में से भाग चुन्नी गई। ने ऐसे ही और ढूंढी तो फिर वही हो जाए, वही कहीं टोक दे है। वैसे तो यह क्रीम कलर है, वाइट को नहीं, और मैं अगर रख दी भी तो इसने बीच में, तो फिर मैं जो यह है ना लगा रखी इस तो पट्टी सी, ऐसा करवाती बीच में, तो और पल्ले ऐसे ही रख लेती क्रीम कलर के, और बीच में तो तांबा सा रंग है वो। लेकिन ये मैं दूसरा ले आई थी, फिर नू तो कितने सिलवा ले, नू के बड़ा आदमी का। दादी आसन लग रही है, मम्मी भी। अच्छा मैं तो देखी मम्मी ले रहा हूँ, तो नू तो अपनी लुगाई है क्या, खराब हो जाएगी ना देख के। तो ला बेटा पन्नी में डाल दूंगी, अब पकड़ाया तेरी मौसी नू कह देगी, और तो रे बैठी रही तो कुकर बेचेगी अगली। देखो भाई ओड साइकिल ना, नहीं गाल में भी ले जाए, यू उस बाहर वाली गाल तक, इतना बड़ा बदमाश है। और देखो रुमाल कुकर बांध रहा है, मास्क बना रहा था। गिती मैम जी के पास जाएगी ये वीडियो? हाँ मैम जी के पास जाएगी ये वीडियो। पजामे तो देख, ऊपर तो पैर लेंदा कि मैं नू कर दे, इस ना कवा नू कर दे। हाँ देख लो, कोड मोरा कर दिए कान देखिए, सरिये का लग रहा है। चार घंटे मिर्च, ये मिर्च कौन खाता है? ये मिर्च जय खाता है, जय के पापा खाते हैं। इस पक्ष में भी लुका है जय के पापा। सारी दीवार फोड़ दी, कोई सरिया ले ले है, कोई बड़ी हुआ पाइप सी ले ले है, और नहीं पाओ तो पत्थर कट्ठे करा के नहीं बताओ डड़े बैठा गया काम का, टक 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 देखा। अनु का मम्मी फोड़ दे करने, नया बनावांगे काम का, इस काम में इस काम में सरिया दे के अनु का ए है पड़की है कि तू काम भी हेड है, नया घर बनावा, नया बनावा मक्खन का अलग ही मजा होता है। ले भाई दे दे, तेरी मैम जी आके बताऊंगा कल ने शरारत करा था, इसी वीडियो बना रखी मैंने, ये साइकिल ठाणे जावा था उसमें। पानी ले थोड़ा, भाई ने को पानी जाओगी ले आ, ले
गेड़ दे तो अब मैं यहाँ पे फेस वॉश कर रही हूँ और मैंने लिया है टेक आयुर्वेदा को ब्रांड का उबटन फोमिंग फेस वॉश जो कि 100% नेचुरल है और सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है। देखिए मार्केट में हमें बहुत तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो मिल जाते हैं लेकिन उनमें किसी ना किसी तरह का जो केमिकल है वो यूज किया जाता है, लेकिन जो टेक आयुर्वेदा ब्रांड के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें किसी भी तरह का जो केमिकल है वो यूज नहीं किया जाता। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे करें और इसमें डीप क्लींजिंग के लिए जो इनबिल्ट जो ब्रश है वो दिया गया है साथ में। तो आपको यहाँ से ये जो कैप है ये हटानी है और इसको पुश करना है और इसको पुश करने के बाद आप आपके चेहरे पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें 15 से 20 सेकंड के लिए और फिर जो सादा पानी होता है नॉर्मल वाटर से आप अपना जो चेहरा है वो धो लें। तो इससे क्या होता है जो इसमें ब्रश दिया गया है इससे हमारी जो चेहरे की जो डीप क्लींजिंग हो जाती है अच्छे से। तो कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें यूज किए गए हैं क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले इसमें है हल्दी। तो हल्दी का पता ही होता है हल्दी में एंटीसेप्टिक व एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं और हल्दी से जो सुंदरता पाने की जो मान्यता है वो हमारे यहाँ पे सदियों से प्रचलित। हल्दी क्या काम करती है, जो सनटैन होता है उसको दूर करता है, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो हल्दी से दूर हो जाते हैं, गोरापन बढ़ता है, चमक आती है, जो हमारी त्वचा है वो चमकने लग जाती है और चेहरे की जो गंदगी है उसको हटा देती है और चेहरे की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको दूर करता है। जैसे नीम होता है, नीम में भी यही जो सारी चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, तो नीम का भी इसमें यूज किया गया है। और आगे इसमें है सैंडलवुड यानी जो चंदन होता है, तो चंदन सुगंध के लिए जाना जाता है लेकिन यह एक प्राकृतिक औषधि भी है। त्वचा से संबंधित जो रोग होते हैं वो चंदन से दूर हो जाते हैं, झाइया में फाइन लाइन्स की समस्या दूर हो जाती है, त्वचा में कसाव आता है यानी हमारी जो त्वचा है वो टाइट हो जाती है, पिंपल्स की समस्या दूर होती है और जो रंग है वो निखरता है। ठीक है, अगला है इसमें केसर। केसर एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनसे बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है। और अगला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन बी भी इसमें होता है और साथ में ही ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मस्टर्ड ऑयल एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पाई जाती है मस्टर्ड ऑयल में, इन्फेक्शन नहीं होने देता, पिंपल्स व एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं और जो ग्लो है वो आता है स्किन पे। जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए बाकी बातें हम कर चुके हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए गए हैं, कैसे यूज करें, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, तो अब बात कर लेते हैं इसके MRP की। तो इसका MRP है 449, लेकिन इसके ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप पे से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे वो भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको लेना है तो आप ज़रूर लें। तो फेस वॉश मैंने कर लिया है और लोशन लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लिप बाम जो कि टेक आयुर्वेदा को ब्रांड का ही है और बीट माइटी पिंक लिप एंड टिंट। आप अपने लिप्स पे भी यूज कर सकते हैं, चिक पे भी यूज कर सकते हैं, अपनी आईज पे हम लगाते हैं ऊपर आईज के वहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब जहाँ मर्जी आपका मन करे वहाँ पे आप इसको यूज करें। बिल्कुल नेचुरल है, 100% कोई भी केमिकल इसमें यूज नहीं किया गया है, कोई भी इसमें आर्टिफिशियल जो फ्रेग्रेंस है उसका यूज नहीं किया गया है। और इसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है बीटरूट फ्लेवर, सिया बटर, सीड बटर, कोका बटर और कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, विटामिन ई और ओलिव ऑयल। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कितने फ़ायदेमंद होते हैं उनका आप लोगों को पता ही है जो इसमें यूज किए गए हैं। तो इसको लगाना भी बहुत आसान है, इस तरह से फिंगर से आप लगा सकते हैं और देखिए हम हेयर केयर कर लेते हैं, अपने स्किन की केयर कर लेते हैं लेकिन अपने लिप्स की जो केयर है वो नहीं कर पाते हैं। तो इस वैलेंटाइन डे पे तैयार हो जाइए टेक आयुर्वेदा को ब्रांड के नेचुरल हाईली जो इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं उनके साथ और इसका जो MRP है वो है 595, तो डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा और मैंने बताया है व्हाट्सएप से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आप जाइए चेकआउट कीजिए और जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। Yeah, buddy.
मैम जी तो तेरे घर ना मैं लग रही ना उठ के करा है तू देख चूल्हा जो मन आया करके दर दिया वाह जी वाह बेटे वाह मौज कर दी वाह मैं ता डर गई इबे के इबे तो इस चलम का भी खो है ए हां अतरा कोट भी ठा ले कोट भी ठा ले तू खाना पीना हमारा हो गया बस बर्तन रह रहे हैं बर्तन मैं थोड़ी देर में साफ करूंगी चूल्हे के आगे बैठे थे और यहाँ जैन अभी अपना काम करना स्टार्ट कर रखा है तो इस चूल्हे में ना मतलब थोड़ा सा फूट सा गया था यूं दरार सी आ रही थी तो फिर हमने तो इस करके खाना भी को नहीं बनाया कि भाई ये दूना फूटेगा लेकिन जैन इसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े अलग करके रख दिए थे तो पूरा दिन इबे कई बार नू कहे जा भाई जय खाओ पीओ भी ठीक है फिर भी इसका लगता क्या था नहीं दिखा के नहीं रहा तो दिखा उस बच्चे का करा जो सारा आम तक खा पी के लेट जा बैठा रहा है लेकिन इसका क्या लगेगा यूँ तो साथ साथ में अपना कर जाए ना फिर तो बस या तो साइकिल लेके नून ते नून नून ते नून और इतनी बड़ी साइकिल है और तूड़ी वाला ना ढूंगा उसमें तो भी निकाल लिया वह है और ना मानता बिल्कुल भी तो बस कदे कुछ और एक और वह हमारे साइड में ना मिस्त्री लाग रहे हैं तो नया घर बनाने लाग रहे हैं उन्हें देख देख के नू कह जा मम्मी इन घेर दो अपनी दीवार ना पर नया घर बनावांगे और या तो पत्थर ले ले या फिर कुछ सरिया पाइप कुछ फंस जाओ उसके गलत बहुत सारे कुएं थे जो उसने झाड़ दिए हैं क्योंकि युवाम इसने कोई दिन तो हो रहा है कम से कम एक महीने तक तो लेके भी छुट्टी थी ना इसने यही काम करे हैं लेके और सारा दिन उसने झाड़े जा रहे हैं सारा ना भी फोड़ दे बेटा इवन आया नहीं जावेगा रात हो रही है मान जाओ देख हाथ के गंदे हो गए खड़ा हो खड़ा हो आजा हाथ पैर मुंह धोऊंगी और ये क्लिप नेक्स्ट डे की है यानी बुधवार की है गीतु इधर की साइड 6:30 हुए हैं और गीतु तैयार है स्कूल के लिए रेडी है और इनके मास्टर जी देखो अभी कंबल में है और बच्चे तैयार हो गए और इस दूसरे बच्चे ने यू बच्चा भी तैयार कर दिया बेचारिया भी बोल रही है ओए फतूरी कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा देख बस शरारत शुरू देखो अंधेरा है बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा है टंकी भर गई हमारी पानी आया है तो इस टाइम पे 6:30 हुए हैं और ये लड़का तैयार है खुद बहुत टाइम हो गया इसको तैयार हुए तो आराध्या तैयार हो रही है उसका वेट कर रहा है और फिर खुद तैयार हो लेगा या खुद उठ लेगा ना तो साथ में फिर आराध्या ने भी उठाओ साथ में इसने भी तैयार करो तो ये अभी बोलना स्टार्ट कर दे है कि मम्मी इतनी जल्दी क्योंकि 6:30 हुए हैं और 7:50 पे बस आवेगी तो ये देखो यो 1 घंटे तक भी ज़्यादा रोकना बहुत मुश्किल काम था और बस यो चुप भी इतना है इतना आराध्या तैयार नहीं हुई है आराध्या के तैयार होते फिर इसने रोना स्टार्ट कर दिया था तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी है अपने लिए अदरक पड़ी थी और मेरा ना मन किया रात को दूध गर्म किया था तो इसलिए मैंने इसमें रख दी है तो चाय बन जाएगी तो बस इबी से रोना स्टार्ट कर दिया है जाने के लिए और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही क्योंकि उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई भाई हमारे परिवार में डेथ हो गई थी तो उसे उसमें सारा दिन ऐसे ही चला गया क्योंकि मेरी माँ वहाँ पर चली गई तो काम भी करना था फिर थोड़ी बहुत देर में भी चली गई थी इस करके तो फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर